लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये देखिए, इधर ना, इधर ना, इधर इधर इधर, हाँ जी। देखिए ये जो है ना, ये जो सुराख है बड़े वाला, ये इससे जो लग कर ये पिलर है ना, ये हुज़ूर इस्लाम का चेहरे अकदस यहाँ है। ये आमतौर पे लोग इसी को समझते हैं, लेकिन हकीकत में जो हमारे उलमा ने निशानदेही की है वो ये है, ये जगह है। और यहाँ सैयदना सिद्दीक अकबर, यहाँ सैयदना फारूक आजम, इधर के दो सुराख खाली है, उधर के दो सुराख खाली है। और उसके बाद, और ये आयत करीमा अभी भी लिखी हुई है, ला तरफ़ सौतिन नबी, ये सूरह हुजरात की आयत आयात हैं। ये यहाँ खड़े होकर खबरदार खबरदार जाली छूने की कोशिश ना करें, और वहाँ पर ज़्यादा चिल्ला कर कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। बिल्कुल धीरे भी नहीं कि आपको सुनाई ना दें, और इतनी ज़ोर से भी नहीं कि लोगों को जो है वो तकलीफ़ हो, बल्कि इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए। फिर आपको जो पढ़ना है पढ़े, जो दुआ करना है करें, और फिर उसके बाद अदब के साथ ऐसी हाथों को बांध करके निकल जाएं, जाली की तरफ पीठ ना करें। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला से एक वक्त के बादशाह ने पूछा था कि मैं हुज़ूर की बारगाह में पहुंचा हूं, तो मंसूर कहता है कि मैं जो है वो हुज़ूर के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ करूं या पीट करके। इमाम मालिक ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है, यहाँ पीट कैसे की जा सकती है। पूरी कोशिश करें कि किसी भी हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अकदस की तरफ पूरे सफ़र में कभी पुश्त ना हो, पीट ना हो, बल्कि हमेशा अदब को मलहूज़ रखें। अब जब वो आपने हाज़िरी दे दी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माँ बैना बैती व मिम्बरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, इसको रियाज़ुल जन्ना कहते हैं। ये पिस्ता कलर का जो कालीन बिछा हुआ है ना, इसको रियाज़ुल जन्ना कहते हैं। और ऊपर थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर, माशाल्लाह, ये इसको रियाज़ुल जन्ना कहते हैं। तो रियाज़ुल जन्ना में पूरे सफ़र में कोशिश करें कि दो रकत नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, तो वहाँ अगर और मौका मिले मज़ीद तो अच्छी बात है। अब ऐसा हो गया है कि वो लोग यानी के पर्दा लगा देते हैं और थोड़ा थोड़ा पब्लिक को अंदर दाखिल करते हैं, फिर निकालते जाते हैं, फिर लोगों को मौका देते हैं। तो जैसे ही वो पर्दा हटते, लोग चिल्ला करके खूब ज़ोर से भागते हैं। आप ऐसा नहीं करें, लोग भागते हैं चिल्ला करके, आप नहीं भागें। रियाज़ुल जन्ना में नमाज पढ़ना मुस्तहब अमल है, और हुज़ूर का अदब करना फ़र्ज़ है। तो एक मुस्तहब अमल के लिए फ़र्ज को तर्क ना करें, धीरे से मिलें, जगह मिल जाती है आसानी के साथ, लेकिन भाग दौड़ ना करें। उसके बाद हो सके तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मेहराब है, यहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे खड़े होकर के। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जहाँ पैर होते थे, ये असल में टर्की हुकूमत ने, ये हरम जो पुराना हरम है ये टर्की हुकूमत ने बनाया है, और जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सरे अनवर रहता था वहाँ उन लोगों ने दीवार बना दी है, और जहाँ हुज़ूर खड़े होते थे वहाँ मेहराब रखा, यानी अब जो सजदा करेगा तो हुज़ूर के कदमों पे सजदा करेगा। तो ये जगह जो है वो हुज़ूर के कदमैन शरीफ़ैन यहाँ रहते थे, तो हो सके तो यहाँ भी दो रकत नमाज पढ़ें, बहुत यानी हुज़ूर के जहाँ कदम रहते थे वहाँ आपको सर रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर है, तो मिंबर के पास भी दो रकत नफिल पढ़े, दुआ करें, यहाँ भी दुआएं कबूल होती है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सुतून है, सुतून हन्नाना, सुतून अबू लुबाबा, सुतून आयशा, सुतून सरीर, ये सुतून वफूद, सुतून हर्स, ये मुख्तलिफ सुतून है, अगर अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ भी नमाजें पढ़ें। ये सुतून अबू लुबाबा वो सुतून है कि उसको सुतून तौबा भी कहते हैं, अगर कोई वहाँ पर दो रकत पढ़ के तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। उसको सुतून तौबा के बाद सुतून अबू लुबाबा इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी थे हज़रत अबू लुबाबा, उनसे हुज़ूर नाराज़ हो गए थे किसी चीज़ पर, तो उन्होंने अपने आप को उसी सुतून से बांध दिया था कि अगर हुज़ूर मुझे नहीं खोलेंगे तो मैं ऐसी बगैर खाए पिए मर जाऊँगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर उनको खोला और उनकी तौबा को कबूल फरमाया।
तो उसको सुतूनी अबुलो बाबा भी कहते हैं। फिर मस्जिद नबी शरीफ में बहुत सी ज्यारते हैं। जब ये आका अलैहिस्सलाम का ये रोजा इस तरफ है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने आप बिल्कुल अखीर तक जाएंगे, वहां बाबे सिद्दीक है, तो वही सिद्दीक अकबर का घर था। अभी भी हौजा सिद्दीक अकबर वहां पर मौजूद है, तो अगर आप वहां बैठेंगे तो वही आप सिद्दीक अकबर के घर में बैठेंगे। इस तरह और भी फिर सहाबा के मकानात हैं, लेकिन वो सब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आ गए हैं। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का जो रोजा इस तरफ है, उसके जस्ट पीछे रोजे शरीफ के का पिछला हिस्सा ये सुनहरी जाली है, इसके बैक साइड में तो वहाँ हरी जालियां हैं और वहां पर पीतल की जालियां लगी हुई है, उसको मुसल्ले तहज्जुद कहते हैं, मेहराब तहज्जुद कहते हैं। तो वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे। अगर आपको मौका मिले तो वहां भी दो रकअत नमाज पढ़े तहज्जुद, अगर पढ़ने का मौका मिले तो बड़ी सआदत। फिर उसके जस्ट बहुत पीछे एक ओटा है, उसको हम अपनी जबान में असाबे सुफा का चबूतरा कहते हैं। वहां पे गरीब सहाबा बैठते थे, गरीब सहाबा, और वो भूखे रहते थे, हुजूर उनको खिलाते थे, उनके बदन पे कपड़े नहीं रहते थे, हुजूर उनको कपड़े अता करते थे, हुजूर उनको तालीम देते थे, उनका तस्फिया फरमाते थे, तजकिया फरमाते थे। वहां पर वो 70 कमोबेश रहते थे। अब भी मदीने मुनव्वरा के अक्सर फकीर रमजान शरीफ में वहीं आकर के बैठते हैं, इसलिए जिन लोगों को भीख देना होती है अब भी, यानी वो सिलसिला सुफा पर फकीरों का जारी है। मैं भी जाता हूं तो थोड़ी देर का वक्त निकाल कर, हालांकि वो थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन उस पर बैठने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए मदीने मुनव्वरा का फकीर समझ कर वहाँ पूरे सफर में एक मरतबा 2-4 मिनट के लिए जरूर बैठ जाता हूँ कि यहाँ हुजूर के गरीब सहाबा बैठते थे, मंगते बैठते थे, तो हुजूर की बारगाह में बैठ के कहता हूँ हुजूर उस वक्त के गरीबों को नवाजते थे, एक गरीब और आया है, इधर भी नजर फरमा दे। तो आप भी जाएं, थोड़ी देर बैठें, दो सके तो दो रकत नफिल पढ़ें और पढ़ करके हुजूर से कहें या रसूलल्लाह गरीब आया है, गरीब परवर आकर नजर करम फरमा दें। तो जैसे सुफा के गरीबों को नवाजते थे, इंशाल्लाह आपको भी नवाजेंगे। वो बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना नला है ना हाजत अगर की है, मंगता कहाँ टूटते ही थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। औरतों को मौका मिलता है रोजाना सुबह के वक्त और रोजाना रात के वक्त, औरतें भी हाजिरी दे सकती हैं और वो उनके लिए भी रियाजुल जन्ना खोला जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ औरतें जाती तो बहुत चिल्लाती, बहुत चिल्लाती है, उनके चिल्लाने की आवाज पूरे हरम में गूंजती है और बहुत दुख होता है कि वहां तो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, यहाँ दूसरों को देखकर इन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। आप नहीं चिल्लाएं, रियाजुल जन्ना में जगह नहीं मिलती है ना मिले। रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है, हुजूर का अदब करना फर्ज है। इसलिए अगर आपको नहीं जगह मिलती नहीं जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हाजिरी नसीब फरमाता है कि मैं कोशिश ही नहीं करता कि रियाजुल जन्ना में जाऊँ, इसलिए कि मेरा ईमान है कि मैं जहाँ हूँ मुझे हुजूर देख रहे हैं, नवाज रहे हैं। क्योंकि आवाज निकाल के लड़ भिड़ कर धक्का बुक्की करके जाने से अच्छा है कि जो है वो आप कोशिश करें कि अगर आराम से जगह मिल जाए तो ठीक है, वरना हालांकि पहली मर्तबा जाने में शौक रहता है, लेकिन अगर आप आराम से भी जाएं तो आपको इंशाल्लाह वक्त मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, लेकिन धक्का बुक्की चीख पुकार ना करें। औरतें बहुत चिल्लाती है। और एक बात और अहम खास बात जिसको कहना चाहता था लेकिन जहन से निकल गई थी, उसको जोर दे के कहना चाहता हूँ। अल्लाह के लिए आपके ईमान का वास्ता, हम लोगों को देखते हैं, हाजिरी देते हैं, ऐसे झांकते हैं अंदर। आपकी जुरत है, आप हुजूर के घर में झांक रहे हैं, आप कौन हैं, मैं कौन हूं? जहां जिब्रील परों को समेट कर आते हैं वहां आप जाके अंदर झांक रहे हैं, झांकना बेअदबी। हुजूर फरमाते हैं जो तुम्हारे घर में झांके उसकी आंख फोड़ दो, उसकी आंख में नेजा डाल दो, तुम पे कोई जो है वो जुर्म नहीं है। हुजूर को झांकना बहुत बुरा था, जिस तरीके से जाहिरी हयात में हुजूर के अहकाम थे आज भी हुजूर के अहकाम वही है, इसलिए अंदर ना झांके। और अब तो लोगों का हाल ये है कि लोग कहते हैं वो वीडियो कॉलिंग चालू कर देते हैं और सुनहरी जालियों के सामने खड़े ले ले, तय भी देख ले, सलाम कर ले। अरे क्या है ये, क्या है ये? आप हुजूर की बारगाह के अंदर वीडियो कॉलिंग करके उसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो सेल्फी ले, हुजूर की जालियों के सामने खड़े यूं सेल्फी ले रहे हैं, इसलिए आप आए थे?
अरे वहां तो सांस रोक कर हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनके बारे में हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि वलियों में अल्लाह ने, वलियों में हजरत जुनैद को वो मर्तबा अता, हजरत बायजीद को मर्तबा अता किया है कि जो जिब्रील अलैहि सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों ही मर्तबा अता किया, वो मर्तबा अल्लाह ने हजरत बायजीद को वलियों में अता किया है। हजरत बायजीद बुस्तामी जब बारगाह रिसालत में खड़े हुए ना, खड़े हुए तो एक सेकंड खड़े होकर आप हट गए, हट गए, फिर निकल गए। कहा बायजीद हुजूर से इतना इश्क करता है और एक लम्हे के लिए आप खड़े हुए और फिर हट गए, कुछ देर तो खड़े रहते हुजूर की बारगाह में। हजरत बायजीद कहते हैं जितनी देर तक अपनी सांस रोक सकता था बस उतनी देर तक मैं खड़ा रहा, हुजूर की बारगाह में सांस लेने को भी मैं बेअदबी समझता हूँ, इसलिए मैं वहां सांस नहीं ले सकता। ये अदब था। लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करके लोगों को बताते हैं देखो ये जालियां, आप क्या कर रहे हैं, खुदा के लिए आमाल बर्बाद ना करें, ऐसा ना करें। वहां रोजे अनवर को पीट करके खड़े होते हैं और फिर वहां फोटो लिए जाते हैं, खुदा के लिए ऐसा ना करें। अल्लाह ताला लोगों को नेक तौफीक दे, लोगों को अच्छी तौफीक दे। गुंबदे खजरा की तरफ पुष्ट करके, आपने ताजमहल समझा है गुंबदे खजरा, लोगों ने ताजमहल समझा, सोचे तो सही हम वहां पिकनिक के लिए गए किस लिए गए, इसलिए अपनी जहन्नम अपने सर पर न डालें, अजाब मोल न लें। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम का मजार अकदस बनने से पहले जब नखलिस्तान से गुजरे तो आपने गर्दन झुका ली और आप तख्त से नीचे उतर गए। किसी ने कहा आप यहाँ तख्त से नीचे क्यों उतरे, कहा यहाँ आखिरी नबी का मजार बनने वाला है, अभी मजार नहीं बना तो ये अदब है। आप सोचो आज तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मजार अकदस बन चुका है, हुजूर यहाँ जलवा फरमाए। सैयदना सिद्दीक अकबर आते थे तो मुंह में पत्थर रख के आते थे ताकि आवाज बुलंद हो, ये सब कैफियत होती थी। तो ये हाजिरी का, लेकिन ये कि मोबाइल का इस्तेमाल सुनहरी जालियों के सामने नहीं करें। एक और अदब, लोग क्या करते हैं किताब लेके जाते हैं वहां खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं, हुजूर की जालियों के सामने किताब लेकर भी ना पढ़े, बगैर देखे जितना पढ़ सकते उतना पढ़ें। अब देखकर आपको पढ़ना है ना, देखकर पढ़ना है, तो ऐसी सूरत में आप पीछे जाएं कहीं भी जाएं हरम में और वहां जाकर के आप पढ़ें। हुजूर की जालियों के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो आप किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप अदब के साथ जितनी देर तक के अपने अंदाज में दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। वहाँ अल्फाज नहीं देखे जाते बल्कि वहाँ दिल की कैफियत देखी जाती है। कमेंट शेयर जरूर करिए।